नमस्कार, आइए क्वेश्चन नंबर 12 का ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ये मैं कह रहा हूं कि सिद्ध कीजिए किसी वर्ग की भुजाओं को मिडिल पॉइंट से यदि क्रम से मिलाने वाली जो रेखा से यदि कोई भी आकृति बनेगी वो भी क्या बनेगी, वर्ग बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ग का डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, वर्ग है ए बी सी डी। फिर क्या कह रहा है, इसके मिडिल पॉइंट को क्रम से मिलाना है। ठीक है, मान लेते हैं कि एबी का मिडिल पॉइंट क्या है, पी है, बीसी का मिडिल पॉइंट क्यू है, सीडी का मिडिल पॉइंट आर है और एडी का मिडिल पॉइंट एस है। ठीक है, सबको मिला देते हैं। मिला देने से जो डायग्राम बना है वो भी क्या होगी, वर्ग होगा। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू आर एस एक वर्ग होगा। ठीक है बाबू, चलिए तो आइए, आपको पता क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एस सी एक डायगोनल मिला देते हैं। अब ए से सी डायगोनल मिल गया। ओके, आपको पता है क्या, ए बी सी डी एक वर्ग है, इसके चारों साइड आपस में तो बराबर ही होंगे। ओके, हम किसमें चलते हैं, ट्रायंगल बी ए सी में, ट्रायंगल बी ए सी में, ट्रायंगल बी ए सी में। ध्यान से देखिए, ए बी भुजा को पी कोई का पी जो है जो मिडिल पॉइंट है और बी सी भुजा का मिडिल पॉइंट क्या है, क्यू है। तो आप लोगों ने मिडिल पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा, किसी भी ट्रायंगल के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का क्या होती है, हाफ और क्या हो जाती है, फर्स्ट पैरेलल होती है। इसका मतलब त्रिभुज बीएसी में क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं, पी एंड क्यू आर मिडिल पॉइंट ऑफ, मिडिल पॉइंट ऑफ एफ बी एंड बी सी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल एस सी और पी क्यू बराबर हाफ सी। ठीक है, यहां से हमने क्या निकाली कि पी क्यू जो होगा क्या होगा, हाफ एस सी होगा और पी क्यू पैरेलल एस सी होगा। ठीक है, अब पुनः इधर से हम चलते हैं किस ट्रायंगल में, डी ए सी में। अब किस में चलते हैं बाबू, ट्रायंगल डी ए सी में। ठीक है, तो ट्रायंगल डी ए सी में क्या होगा, एस में है मिडिल पॉइंट किसका है, एडी का, और सीडी का मिडिल पॉइंट क्या है, आर। ठीक है, क्या हम तुम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, एस आर पैरेलल एस सी होगा और एस आर बराबर भी हाफ। ठीक है बाबू, चलिए अब क्या करते हैं, अब एक और डायगोनल मिलाते हैं, क्या डी से बी। ठीक है, तो बी से डी मिलाए, थोड़ा सा एस सी को तो कुछ देर के लिए मिटा देते हैं, इसे समझने में ज्यादा आसानी। ठीक है, तो बी से डी मिल गया, तब ट्रायंगल कैसे मिलते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में, तो ट्रायंगल ए बे ट्रायंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी डी में। ठीक है, एस क्या है, मिडिल पॉइंट है डी का, और पी क्या है, मिडिल पॉइंट है डी का। मिडिल पॉइंट फॉर्म से लैंग्वेज एक क्वेश्चन लिखे हैं, सब में लैंग्वेज सेमी होगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, एस पी जो होगा पैरेलल होगा बी डी के और एस पी जो होगा हाफ बी डी के बराबर। ठीक है बाबू, अब पुनः चलते हैं किस ट्रायंगल में, सी डी बी में। ठीक है, किसमें चलते हैं, ट्रायंगल सी डी बी में। ट्रायंगल सी डी बी में क्या है बाबू, आर मिडिल पॉइंट है सी डी का, क्यू मिडिल पॉइंट है बी सी का, तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं आर क्यू या क्यू आर कहिए, क्यू आर जो होगा पैरेलल होगा बी डी का और क्यू आर जो होगा
हाफ यूनिटी के बराबर। चलिए क्या हमने चार इक्वेशन का बनाया है, एक ए एक ए एक ए और एक, ठीक है। अब आइए ध्यान से फिर से देखिए, क्या आपको पता है एबीसीडी वर्ग है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि वर्ग के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। वर्ग डायगोनल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपस में बराबर होते हैं और क्या करते हैं, वे एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, 90 डिग्री पर कट करते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, यदि बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एस टी बराबर बीडी ना। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हाफ एस टी, हाफ एस टी, ठीक है। तो अब जानते हैं कि आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी बराबर है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर है ऐसा। अब पुनः यहां पर आ जाइए, बीटी और एसी दोनों बराबर है ना, ठीक है। तो हाफ बीटी के जगह पर हम हाफ एसी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एसी लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पर भी हाफ एसी, यहाँ पर भी हाफ एसी ना, एसपी और क्यू आर भी आपस में बराबर ना होगा, तो बराबर एसपी बराबर क्यू आर, चारों में हाफ ही एसी ना है, इसमें भी हाफ एसी है, इसमें भी हाफ एसी, इसमें भी हाफ एसी, इसमें भी हाफ एसी। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड के भी बराबर हो, क्यू आर एस पी एस आर। तो यहां से हमने क्या निकालिया कि वर्ग चारों साइड बराबर है ना, ठीक है। तो चारों साइड बराबर किसमें होती है बाबू, दो ट्रायंगल में होती है, ठीक है। एक ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा वर्ग, और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होता है, समचतुर्भुज। आवाज आई इसमें, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिर्फ समचतुर्भुज है तो यहीं पर बना करके फिनिश कर देते हैं, मगर यहां पर आपको क्या पूछ रहा है कि नहीं हमें क्या बताइए कि यह वर्ग बनेगा, ठीक है। तो आ जाइए, इसे कटान बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए, इसे हम क्या नाम दे दें, एम, इसे ओ और इसे एन देते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब यहां पर आपको क्या होता है कि पी जो है पैरेलल है इसके, ठीक है। आप लोगों ने निकाला था क्या, क्यूपी कहिए पी क्यू कहिए पैरेलल है किसके, इसी के। आप जानते हैं कि दो लाइन यदि, दो लाइन यदि आपस में पैरेलल है तो उस लाइन पर जितने भी बिंदु होंगे सब आपस में पैरेलल होंगे, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पीएम पैरेलल भी, पीएम पैरेलल भी एससी है, या और जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि पीएम जो है पैरेलल है किसके बाबू, ओएन के, ठीक है। पीएम किसके पैरेलल है, ओएन के। अब आ जाइए इसमें क्या, ये लाइन जो होगा ध्यान से देखिए, तो ए लाइन जो होगा, ए लाइन तो इसके पैरेलल हो गया तो हमने निकाल लिया, ठीक है, ए 90 पे 90 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एसपी जो लाइन है बीडी के पैरेलल था, ठीक है, यहां पर डी है, एसपी जो लाइन है किसके पैरेलल था, बीडी के पैरेलल था, हम निकाले जा करके आप पीछे वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है, कि एसपी पैरेलल कैसे बीडी था। तो एसपी पैरेलल बीडी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पीएन जो होगा पैरेलल होगा किसके, ओएम के। पीएन जो होगा किसके पैरेलल हो जाएगा बाबू, ओएम के, ठीक है। तो जैसे ही पीएन जो है वहां पैरेलल होगा ओएम के, ए 90 है तो ए भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90 हो जाएगा, देखिए देख लीजिए, ये 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो ए 90 डिग्री कैसे हो जाएगा, दो पैरेलल है ना, सामने सामने का 180 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। नहीं तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या, ए लाइन और ए, सॉरी हाँ, ए लाइन और ए लाइन तो हम अभी हम पैरेलल निकाले थे ना, क्या पीएम है
पैरेलल है किसके, ओएन के। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या निकाला, टीएन जो है पैरेलल है किसके, ओएन के। आप जानते हैं कि तो एक युग्म पैरेलल हो जाए दोनों आमने सामने के तो उसे कौन से चतुर्भुज कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, मतलब क्या, मतलब क्या कि यदि किसी भी चतुर्भुज के यदि आमने सामने का मतलब कि चारों भुजों भुजा है आमने सामने आपस में क्या हो पैरेलल, तो हम क्या करेंगे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये कोण 90 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज में सारे कोण भी 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि संदर्भ कोण 180 आमने सामने का कोण 180 डिग्री और तिरछा तिरछी कोण बराबर दिया गया 90 डिग्री, ये भी 90, तो कुछ किसी से भी हम कर सकते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री आ गया ना बाबू। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए क्या आपने क्या निकाला है, पीएस, हाँ एसपी पैरेलल बीडी तो निकाला है, हम इसको हटा दीजिए, एसपी पैरेलल बीडी निकाला है और क्या निकाला था, क्यूआर पैरेलल भी बीडी, क्यूआर पैरेलल भी क्या बीडी। ठीक है, यदि क्यूआर पैरेलल भी क्या है बीडी है ना, ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि एसपी पैरेलल क्यूआर। ठीक है, क्योंकि एसपी बीडी के पैरेलल है, क्यूआर भी बीडी के पैरेलल है, तो इसमें हम कह सकते हैं क्या एसपी जो होगा क्यूआर के पैरेलल, और एसपी बराबर क्यूआर को हम पहले से निकाल चुके हैं ना। ठीक है, यदि दो लाइन आपस में पैरेलल हो गया तो हम उसे क्या कर सकते हैं, दो लाइन पैरेलल हो गया तो उसके सारे जो आमने सामने का जो एंगल है ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90, और संगत कोण क्या हो जाते हैं 180, ये 90 है भी क्या हो जाएगा 90, 180 ये 90 है तो भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने पी क्यू एसआर और एसपी और क्यूआर ये चार को पहले निकाल चुके हैं बराबर। ठीक है, हम अगला क्या लिख सकते हैं, एंगल पी बराबर एंगल क्यू बराबर एंगल आर बराबर एंगल एस बराबर क्या, इसमें क्या हो जाएगा साइड के बराबर आ गया, एंगल के बराबर, इसमें क्या हो जाएगा ये जो डायग्राम बना क्या हो गया बराबर। तो कुछ नहीं क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना था, और कुछ क्वेश्चन के बी पर, ट्वेल्थ का बी क्या कह रहा है, आयत ए बी सी डी के भुजाओं के मध्यबिंदु ई एफ और बी एफ, आयत यहां पर नाम लेने के लिए जरिया है, क्या लेना है हमको ए बी सी डी। ठीक है, ई एफ जी एच ए बी और बी सी सब का मतलब क्या, सिद्ध कीजिए कि ई एफ जे जे एक समचतुर्भुज है, हमें क्या प्रूफ करना है, ई एफ जी एच एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो जिस तरह से ट्वेल्थ के ए में चले थे उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आया है तो आपको क्या पता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होगा, सबसे फर्स्ट का क्या करते हैं एक विकर्ण खींच देते हैं। ठीक है, इस बार उसी तरह से ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, तो बी ए सी में क्या हो जाएगा, बी ए सी, तो बी ए सी में आ जाइए, आपको क्या पता है ये मिडिल पॉइंट ना, एक मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट थ्योरम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ईएफ पैरेलल एससी और ईएफ बराबर हाफ एससी। ठीक है, पुनः करते हैं किसमें, ट्रायंगल डीएससी में, पुनः किसमें, ट्रायंगल डीएससी में क्या हो जाएगा, जीएच पैरेलल एससी, जीएच पैरेलल एससी और जी एच बराबर हाफ सी। ठीक है, चलिए पुनः सेम कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, विकर्ण को मिला देते हैं, बी से डी को मिला दिया, तो बी से डी को मिला दिया तब किस में चलेंगे, ट्रायंगल डी ए बी में।
ट्रायंगल डी ए बी में, ट्रायंगल डी ए बी में क्या हो जाएगा, ए पैरेलल बी डी, ए पैरेलल बी डी और ए हाफ बी डी। ठीक है, अब आ जाइए फिर से, अब किस में चलिएगा, ट्रायंगल बी ए सॉरी ट्रायंगल बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में हम क्या कर सकते हैं, जी एफ पैरेलल बी डी और जी एफ बराबर हाफ बी डी। ठीक है, अब आ जाइए पुनः फिर से, तो आयत के डायगोनल आपस में क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। ठीक है, आयत के डायगोनल क्या होते हैं आपस में, बराबर होते हैं, इसका मतलब क्या है, एस सी बराबर क्या है, बीडी है। ठीक है, एस सी बराबर बीडी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ सी, यहाँ पर हाफ सी ना, यहाँ तो आसानी से लिख सकते हैं क्या, ई एफ बराबर जी एच। अब पुनः यहाँ पर देखिए, हाफ बीडी किसके बराबर है, एस सी के बराबर है ना, इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, जी एफ और ए भी आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर ए। तो समचतुर्भुज के लिए क्या जरूर रहता है, सिर्फ चारों साइड का इक्वल होना, तो चारों साइड इक्वल हो गया ना बाबू, इसका मतलब क्या है, ये एक समचतुर्भुज। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया।